उदयपुर में रियासत काल से चली आ रही परंपराओं के तहत आज उदयपुर में हरियाली मास का दूसरा दिन है और बड़े धूमधाम से आज महिलाओं का मेला देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही है। कहते हैं कि 1899 से यह परंपरा शुरू हुई थी। अच्छा। जब महाराजा स्वयं भ्रमण के लिए निकले थे तो वहाँ खीर सहित के पकवान बनाए गए थे और उसी दिन से मेला शुरू हुआ था। जब महारानी उस मेले में राजा के साथ निकली तब से महारानी ने महाराणा को कहा था कि एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए दिया जाए। तो उसी परंपराओं से जो जब महिला एक दिन पुरुष महिला और दूसरे दिन सिर्फ महिला इस मेले में शामिल होती है। आज इस हरियाली अमावस का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में दूसरा सिर्फ महिलाओं का ही मेला है। देख सकते हैं आप, ले चलेंगे हम आपको उस मेले में और उन महिलाओं से भी रूबरू होंगे कि 2 साल बाद आज फिर से मेला लगा है। कोरोना काल रहा और कोरोना काल में 2 वर्ष तक मेला नहीं लगा, लेकिन 2 वर्ष बाद फिर से मेला लगा है तो कितनी खुशी है उदयपुरवासियों में और महिलाएं कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। ले चलते हैं इस हरियाली में। कई तरह की स्टॉलें यहाँ लगी हुई है, अलग अलग तरह की स्टॉलें यहाँ पर है मेले में। जिस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र की भी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ शामिल है, बड़ी संख्या में यहाँ खरीदारी की जा रही है और कहीं न कहीं 2 साल बाद इस मेले का एक बार फिर महिलाएं लुत्फ उठा रही है। इस तरह से आप मैं दर्शकों को दिखाऊंगा हरियाली महोत्सव का ये दूसरा दिन और महिलाएं बड़ी संख्या में भाग ले रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दूसरा दिन है और आगे कई स्कूलें यहाँ लगी हुई है। कहीं न कहीं 2 वर्षों बाद ये मेला लगा है तो जिससे महिलाओं की संख्या बढ़ी है और महिलाएं बड़ी संख्या में खरीदारी कर लौट रही है, तो कहीं घरेलू और अन्य वस्तुएं भी यहां से खरीदारी की जा रही है। इस मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं युवतियां और कई बच्चियां इसमें शामिल है। देख सकते हैं पल पल राजस्थान पर तस्वीरें हैं कि इस मेले के दूसरा दिन है जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग ले रही है और बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ से खरीदारी कर मेले का आनंद उठा रही है। और हम आपको आगे ले चलेंगे इस मेले में और दिखाएंगे आपको तस्वीरें यहाँ की कि किस तरह महिलाएं इस मेले में आनंद लेती नजर आ रही है। मेले के इस रुख में मेले में बड़ी संख्या में महिला लुप्त उठा रही है, बड़ी संख्या में यहाँ खरीदारी की जा रही है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे हम जानेंगे कि कितना आनंद यह मेले में लेगा, क्या कितनी खुशी है, किस तरह आनंद उठा रहे हैं। उदयपुर में सालों बाद 2-4 साल बाद कोरोना के बाद मेला लगा है तो उनको बहुत अच्छा
किस तरह खरीदारी कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? सस्ती किस तरह लुट चुका है मेले का? बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आके, और अच्छे अच्छे खाने पीने की स्टॉल्स लग रही है, और लेडीज के पहनने के लायक और घरेलू सामान बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसलिए हमें मेले में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बड़ी संख्या में महिला मेले का लुत्फ उठा रही है, किस तरह मेले का खरीदारी कर बड़ी संख्या में महिलाएं इस मेले में एंजॉय कर रही है, और अलग अलग घरेलू वस्तुएं हैं या फिर घर की कई वस्तुएं हैं, पहनने के कपड़े से लगाकर हर तरह के आइटम से इस मेले में मिल रही है। बच्चों के खिलौने हो गए और कई तरह के घरेलू आइटम इस तरह महिलाएं खरीदारी कर रही है। 2 साल बाद इस मेले का लुत्फ तो पहले जरा है। आगे और कुछ महिलाओं से बात करेंगे। वहीं नगर निगम द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस महिलाओं को और यहाँ आने वाले दर्शकों को दिखाने के लिए ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां नगर निगम द्वारा दी जा रही है, जिसमें अलग अलग नृत्य यह आयोजित किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर निगम द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, इस मेले का आयोजन किया गया है जिसमें महिलाएं शामिल हो रही है। आगे ले चलेंगे आपको इस मेले के सफर की ओर। तस्वीरें दिखाऊंगा इस दूसरे दिन के इस मेले की, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में यहां शामिल हो रही है, इस मेले का आनंद लेती नजर आ रही है। कोई अलग अलग मालपुए खा रहा है, तो कोई कचौरी खा रहा है, या फिर नाश्ता यहां करते दिख रहे हैं। देख सकते हैं आप सहेलियों की बाड़ी के सामने हमें, जहां लोग बड़ी संख्या में, उस सहेलियों की बाड़ी कहते हैं कि ये बाड़ी सज्जन सिंह जी ने अपनी पत्नी की सहेलियां उन्हें मिलने आती थी, उनके लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। बड़ी संख्या में सहेलियों की बाड़ी में भी महिलाएं शामिल हो रही है। वहीं आप तस्वीर देखेंगे कि यह वह तस्वीर है जो उस हरियाली अमावस के दूसरे दिन उस महिलाओं के मेले की, जहां महिलाएं खरीदारी कर रही है, घरेलू वस्तुओं का खरीदारी की जा रही है। वहीं डॉलर चकरी, जो कहते हैं कि जिस मेले में डॉलर चकरी ना हो, उस मेले की रंगत ही फीकी है। उस डॉलर में बैठने के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाएं, बेटियां, बच्ची देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस 2 वर्ष बाद उस बार फिर मेले में रंगत दिखी है। कोरोना के कारण जिस तरह
हमारा दो साल मेला नहीं लग पाया था, तो दो साल बाद बच्चे खरीदारी करते नजर आ रहे हैं, महिलाएं खरीदारी कर रही है। कहीं ना कहीं इस मेले का बड़ी तरह से लुत्फ उठाया जा रहा है, महिलाएं बड़ी संख्या में इस मेले का आज एक बार फिर आनंद ले रही है। जिस तरह से महिलाएं अपना उस मेले में लुत्फ उठा रही है, पूरी तरह से तैयारियों के साथ ये मेला लगा है, प्रशासन पूरी तरह से तैयारी की थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर यहाँ तैनात है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी तरह की अव्यवस्था मेले में ना हो इसके लिए भी अलग से पुलिस तैनात की गई है, सिविल वर्दी में पुलिस तैनात है, जिससे कि किसी तरह के मेले में व्यवधान नहीं हो। कहीं ना कहीं मेले को सुगम बनाने के लिए यहाँ उदयपुर वासी और आसपास के उदयपुर के आसपास की महिलाएं भी आज इस मेले में शामिल हो रही है। दो साल कोरोना महामारी के बाद जब ये मेला शुरू हुआ है तो महिलाएं बच्चों सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी है आपने? बहुत ज्यादा खुशी है, दो साल से बिल्कुल कहीं घर से बाहर नहीं निकले थे, बच्चों को महिलाओं को सबको अच्छा लगा। क्या खरीदारी करी, क्या खाया आपने? खाया ना आइसक्रीम खाई, बंदूक खरीदी बच्चे के लिए, आइसक्रीमें खरीदी इनको, और कुछ अब दिलाएंगे सब दोबारे का आनंद लिया। किस तरह से आपने मेले का आनंद लिया है, क्या खरीदा? बहुत मजा आया, मेले में दो सालों से लगा है तो काफी अच्छा लगा है, और अच्छी खरीदारी भी की है, बंदूक लिए एक तो मैम हमने, और अभी आगे और खरीदारी करेंगे हम। क्या खाया आपने, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। देखें तो बड़ी संख्या में महिलाएं इस मेले में भाग ले रही है, मेले का आनंद लिया जा रहा है, मेले में खरीदारी की जा रही है बड़ी संख्या में। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मेले में आनंद ले रहे हैं, कैसे मेले का उत्साह ले रहे हैं। ले रहे हैं मेले का आनंद, जैसा होता है सब जगह ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। क्या खरीदा है, कैसे खरीदा है? खरीदे बच्चों के, बच्चों के गुड्डे वगैरह सामान सब। अब देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ मेले में खरीदारी की जा रही है, कैसे मेले का आनंद ले रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? युति का। कैसे खरीदारी कर रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है आपको? कहाँ से आए कि क्या खरीदा? हम सविना से आए। क्या क्या खरीदे सामने देखे? हमको बहुत अच्छा लगा है, दो साल तीन साल से आए हैं, बहुत सुंदर लगा है, हमको बहुत खुशी हुई है इस बार में ये हम आए, बच्चों को भी। आंटी जी क्या खरीदा आपने, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, दो साल से अब देखा रौनक दीदी, और ना पर्स खरीदा, ये आइसक्रीम खाई, भुट्टे खाए, झूले में बैठे, बहुत इतनी खुशी है आपने? बहुत ज्यादा खुशी है, इतने दिन मतलब इतने सालों बाद मेला लगा है, पहले तो बहुत साल है, दो साल बाद मेला लगा है, कितनी खुशी की बात है हमारे बच्चों के लिए। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ खरीदारी कर रही है, देखें तो छोटे बच्चों की खरीदारी यहाँ की जा रही है, वहीं इधर भी हर तरफ हर स्टॉलों पे खरीदारी की जा रही है, खुशी है। आंटी जी किस तरह खरीदारी कर रहे हैं, कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है भैया, तीन साल के बाद मेला लगा तो अच्छा लग रहा है। कैसी खुशी है, कैसी खरीदारी? ठीक है, तो खास नहीं है भाई साहब, हर साल ही काम है, काम है, खरीदारी काम है। मेला हो मैं कितना उत्साह कितना देखा जा रहा है आप दो दिन से? उत्साह वो अच्छा है, पर खरीदा ही नहीं है। कहीं ना कहीं दुकानदारों में सामने आया है कि मेले में जिस तरह से खरीदारी होती है रुझान कम है, कोरोना के कारण असर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में मैं दिखाऊंगा एक बार और, महिला बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हो रही है, बड़ी संख्या में यहाँ अपने घरेलू सामान सहित कई चीजों की खरीदारी की जा रही है। आंटी जी कहाँ से आए हैं आप? हम बेतला से आए अभी हम, और यहाँ पे हम देखने आए हैं ज्वेलरी वगैरह। कैसे आनंद ले रहे हैं, दो साल बाद मेला लगा है आज, कितनी खुशी है? लग रहा बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा जैसे हमारे खुशहाली खुशहाली आ गई है। क्या क्या खरीदारी करी, क्या खाया आपने? हम अभी आए हैं। आंटी जी आप कितनी खुशी है आपको, क्या क्या खरीदारी? बहुत बहुत खुशी है, हमने पकौड़े खरीदे हैं, बच्चों के खिलौने खरीदे हैं, आइसक्रीम खाई है, और फुआरे में गए हम, बहुत मजा आया, बच्चों को लेके आए इनको साथ में सबको। कैसा लग रहा है आपको, क्या क्या खाया आपने? आइसक्रीम और खिलौने लिए।
होती है। क्या क्या खाया? मैंने आइसक्रीम, पॉपकॉर्न और हम गार्डन में खेले। आप कहाँ से आए, कितनी खुशी है आपको? हमको बहुत खुशी हो रही है, दो साल में अब मेला लगा है वापिस और हम उदयपुर से ही है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेले में बहुत मजा आता है। किस तरह की खरीदारी करी, कितना एंजॉय किया आप? खरीदारी तो बच्चों की होती है यहाँ पे और हम भी बड़े बच्चे बन जाते हैं। मतलब मेला तो बच्चों बड़े से सामान है सबके लिए। क्या खरीदारी कर रहे हैं, कितना खुशी है, कितना एंजॉय किया? हाँ बहुत एंजॉय किया है, तो फर्स्ट टाइम आई इस हरियाली महोत्सव के मेले में और डेकोरेशन की चीजें लिए, थोड़ी बहुत खाना पिया, डोलर में बैठे बहुत मजा आया। क्या क्या खाया, किस तरह एंजॉय किया, डोलर में भी बैठे कैसा लगा? भुट्टे खाए, आइसक्रीम खाई हमने और मंचूरियन खाया, पानी पूरी खाई। कैसे एंजॉय कर रहे हैं मेले को? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या क्या खाया? मंचूरियन खाया, आइसक्रीम खाई। डोलर में बैठे कि नहीं बैठे? ड्राइगर में बैठे सबसे बड़े वाले। कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आके, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया कितना उत्साह मेले लोगों को देखा जा रहा है, किस तरह मेले में इस बार रुझान है? बढ़िया मेला, बढ़िया है। किस तरह लोगों का? बढ़िया 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 भाई, बारिश के लिए बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बारिश की जगह बढ़िया। अच्छा लग रहा है। कैसा लगा आपको? मेले में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या क्या खाया आपने? ओके अभी तक तो कुछ नहीं खाया, जुकाम हो रहा है, बाद में खाएंगे। अभी तक तो कुछ नहीं खाया, जुकाम हो रहा है, बाद में खाएंगे। क्या क्या खाया, कैसा लगा? पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, मेला बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ। कैसे एंजॉय किया आपने इसको? हमने है ना आइसक्रीम खाई, पॉपकॉर्न खाया, बहुत मजा आता है मेले में। बहुत अच्छा लगा। हाँ आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी हमने वो गन से शूट करने वाला गेम भी खेला। गेम खेला? कैसे शूट किया उसको? गन से। क्या क्या खाया? हमने आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, पानी पूरी, ये सब खाया। कहीं ना कहीं इस मेले में बड़े उत्साह के साथ आनंद लेते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दो वर्ष बाद ये मेला लगा है, बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और छोटी बच्चियां इस मेले में भाग ले रही है, शामिल हो रही है और अपना एंजॉय किया जा रहा है। दो साल बाद बड़ी खुशी उदयपुर वासियों में देखी जा रही है। पल पल राजस्थान के लिए राजेश डांगी।